हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। पुनः आईटीआई टेक्निकल स्किल सिवान में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ पेपर से रिगार्डिंग जो है कि आपको अलग अलग जगह पेपर में पूछे गए अलग अलग तरीके से, उनमें कुछ प्रश्न जो है कि इन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ों को रिमाइंड कर ले, देख ले कि कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। जो कि फीटर का हम आप देखें बताएं आपको कि पेपर जो दो बार हम अपलोड किए हैं, एक 12 मार्च को एक 22 मार्च को, दोनों में आपको बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैंने इसको तैयार किया है कि ताकि आपका प्रश्न छूट ना पाए। तो उसमें देखेंगे, पहला आपका एक पूछा गया है आपको हेक्सागोनल नट की बात पूछा गया, दूसरा एक देखेंगे यहाँ पे तो जीव की है उसको पूछा गया, और एक फाउंडेशन बोल्ट की पूछी गई है। तो चलिए अब देखते हैं कि फाउंडेशन जो बोल्ट होता है वो कुल कितने होते हैं, तो उनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है, जिसको हम लिख लिया आपको कम समय में समझा पाएँ। 6 बोल्ट होते हैं, और 6 बोल्ट में कौन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे रैग जो बोल्ट है इसको 3 बार पूछा जा चुका है। उसके बाद आप देखेंगे तो स्क्वायर के भी 1 बार पूछा गया और 1 बार टी का पूछा गया है। इसके बाद अब बात करते हैं हम इसमें नट में, तो नट में सबसे ज़्यादा किस नट को पूछा गया है, तो यहाँ पे डोम नट है इसको पूछा गया है, कैप नट के बारे में पूछा गया है, स्क्वायर नट पूछा गया है, और कस्टल नट 3-3 बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे ये सब जो बोल्ट है नट है इनको बार बार पूछा जा रहा था, इनको 1 बार कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन जो देखेंगे यहाँ पे कि वाशर की बात आती है, तो वाशर में आपको इसमें जो 22 मार्च का पेपर अपलोड हुआ उसमें पूछा गया है, तो इसमें 2 पायर का वाशर होता है, दोनों में से कोई एक वाशर बना देंगे, जिसमें नॉर्मली हम भी बताए हुए आपको वो पेपर में, लेकिन आप विस्तृत बताएंगे। इसके लिए सभी चीज़ों को 1 बार देख लें, हम इन सभी को एक एक करके बारी बारी करके इसको आंसर लेकर आते रहेंगे, यहाँ आपको इसमें परिचय करा रहे हैं। अब आते हैं बोल्ट के, बोल्ट में सबसे ज़्यादा किस बोल्ट की बात पूछी गई, तो हेक्सागोनल बोल्ट के बारे में पूछा गया सबसे ज़्यादा बार आपको, उसके बाद कैप हेड बोल्ट के बारे में पूछा गया है, उसके बाद यहाँ पर चलेंगे तो टी हेड भी पूछा गया है, आई हेड को पूछा गया है, उसके बाद इसमें हम चलते हैं की में, की में सबसे ज़्यादा कौन से की पूछा गया है बनाने के लिए, तो आपको आता है जीव की और फैदर की, आप देख लेंगे इधर होगा कहीं, फैदर की है और वुड आपको दिखेगा इसमें, वुड रफ की दिख रहा है यहाँ पे, तो ये वुड रफ की का पूछा गया है और जीव की का पूछा गया। जीव जो होता है इसका ऑर्थोग्राफिक तोड़ने के लिए 2018 में आया हुआ था, उसके बाद अभी भी पूछा गया था इसको, है ना, तो इसको बनाना है। बाकी सारा एक बार ये लिस्ट सब देख लेंगे हम, एक बार बोल देते हैं आपको, ये जो वाशर होते हैं 2 प्रकार के, एक ऑर्डिनरी एक स्प्रिंग होता है, फाउंडेशन जो आपको दिखता है 6 को होता है, 6 का इसमें नाम लिखा है, रैग बोल्ट होता है आपको, टी हेडेड बोल्ट होता है, लूप बोल्ट होता है, कटर होता है, और स्क्वायर हेडेड बोल्ट होता है, कर्व होता है जो मोड़ा होता है, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। अगला बोल्ट में देखेंगे तो बोल्ट कितने प्रकार के हो जाते हैं, तो यहाँ पर काउंट कर लेंगे, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, इसका दूसरा नाम ये होता है चीज हेड होता है, और चौथा आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, कैप हेडेड या राउंड होता है, और साथ यहाँ पे 5वां देख लें कि साइकिल होता है, और यहाँ पे आप 6 नंबर देख लेंगे टी हेडेड होता है, 7 नंबर में काउंटर सैंक हेडेड होता है, और 8 नंबर में लूक है ना, लूक हेडेड होता है, हेडेड टेपर होता है, उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर में देख लेंगे तो आई होता है, और इसके बाद यहाँ पे लिफ्टिंग होता है, ये आपको 10 नंबर हो जाएगा, 11 नंबर में बॉयलर हो जाएगा, और ये क्या छूट रहा है ये वाला है ना, हेडलेस टेपर, तो इसको आप 12 नंबर कर लेंगे। तो कुल मिलाकर देखेंगे बोल्ट कितने होते हैं, 12 होते हैं, फाउंडेशन के कितने होते हैं, 6 होते हैं। नट की बात आती है तो नट में देखेंगे तो 1 हो गया 2 हो गया, ये 3 हो गया, फ्लैंज और कैप वाला हो गया आपको 4, और यहाँ पर डोम कट देखें तो ये हो गया 5, और ये आपको रिंग हो गया 6 वाले, और इधर कस्टल देखेंगे तो 7 हो गया, और ये विंग नट देखेंगे तो ये आपको 8 हो गया, रिंग कलर देखेंगे तो 9 हो गया, और ये कर्नल देखेंगे है ना, के साइलेंट होता है, नरलेड होता है, तो यहाँ पे आपको 10 गो जो होता है कि नट हो गया। की में चलेंगे, की देखेंगे कुल कितने की होते हैं, तो पैरेलल की होता है, टेपर सैंक की होता है 2 हो गया, जीव या जीव हेड की होता है 3 हो गया, वुड रफ की होता है 4 हो गया, पिन हेड होता है ये आपको 5 हो गया, अब यहाँ पे चले होलो सैडल है ना, तो ये हो गया 6, आप फ्लैट सैडल हो गया 7, और कटर हो गया, आप यहाँ पे कटर इसका दोबारा लिख दें यहाँ पे, ठीक है कि नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, तो चलिए यहाँ से फेदर से काउंट करते हैं, फेदर की हो गया 8, डबल है ना हेडेड फेदर की हो गया 9, आपको देखें पेज हेड फेदर हो गया 10, और यहाँ पे कटर जो होता है आपको ये हो गया 11,
और यहाँ पे रेक्टेंगुलर हो गया तो ये हो गया 12, 12 टाइप के होते हैं कि, तो इनमें आप देख लेंगे सबको एक बार अपने से, जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं या पढ़ रहे हैं इन सभी को एक बार रिवीजन कर लें, इसके फिगर को बना लें, जो फ्री हैंड स्केच में पहला प्रश्न में आता है जिसमें 10 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन आता है इनमें से आपको पूछे जाते हैं। फ्री हैंड टूल्स में आपको और सारे उसका लिस्ट एक बार दे देंगे, वहाँ से आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये सारे आपको डिटेल बताएं, फिर इसके एक एक करके आंसर हम लेंगे कराएंगे।